और अब दिल्ली से एक बड़ी जानकारी। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक होने वाली है। संसद भवन परिसर में बैठक होगी। सुबह 9:30 बजे का वक्त तय किया गया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में माना जा रहा है कि 3 राज्यों में मिली जीत को लेकर चर्चाएं तो होनी ही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान होगा, अभिनंदन होगा। बैठक को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। हो सकता है कि आने वाले समय की रणनीति को भी प्रधानमंत्री की तरफ से स्पष्ट किया जाए, बताया जाए कि अगर 3 राज्यों में चुनाव जीते हैं तो महज यहीं तक की जीत स्थित नहीं रहती है। आने वाले समय में 3 राज्यों में विकास के कौन कौन से काम करने, हो सकता है इस बात का जिक्र पीएम की तरफ से किया जाए। तो आज अभिनंदन कार्यक्रम प्रधानमंत्री के लिए, चूंकि मोदी मैजिक चला है और इसी के बदौलत 3 राज्यों में इतनी अच्छी खासी बहुमत भारतीय जनता पार्टी के नाम। तो आज ये मेगा कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक, 9:30 बजे ही एक ऐसे परिसर में आप इस कार्यक्रम को देखेंगे, संसद भवन परिसर, जहां पर तमाम नेताओं की मौजूदगी के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता मोदी मैजिक को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करते हुए प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने वाले। सुबह 9:30 बजे मेगा कार्यक्रम, 3 राज्यों में मिली जीत पर पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में क्या कुछ करना है, इस जीत को आगे ले जाने के लिए क्या करना है, विकास के लिए क्या करना है, क्या कुछ रोड मैप होगा, हर चीज को लेकर जिक्र हो सकता है। अब ये देखने वाली बात कि पीएम मोदी अपने संबोधन के दौरान आखिर कहते क्या है, लेकिन अभिनंदन को लेकर तमाम तैयारियां अपने स्तर पर भारतीय जनता पार्टी पूरी कर चुकी है। पहले से ही जीत का क्रेडिट हर नेता हर कार्यकर्ता के मुंह से आपने सुना होगा। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से जीत मिली 3 राज्यों में, ये बात कहते हुए नजर आए हैं और इसी के चलते प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभिनंदन कार्यक्रम। उससे पहले बीजेपी कार्यालय की भी तस्वीरें आपने देखी थी, किस भव्यता के साथ लोग वहां पर जुटे प्रधानमंत्री को देखने के लिए, जश्न का माहौल अलग अलग जगहों पर जीत को लेकर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खासतौर पर एक ऐसी जीत जिसका अनुमान शायद किसी ने नहीं लगाया था, लेकिन हुआ है तो मोदी मैजिक की वजह से हुआ है, ये मानना है कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, और इसी के चलते आज अभिनंदन कार्यक्रम प्रधानमंत्री के लिए आयोजित किया जा रहा है। संसदीय भवन में पहले तमाम सांसद मौजूद रहने वाले हैं, बैठक करेंगे और उसके बाद सुबह 9:30 बजे 3 राज्यों में मिली जीत को लेकर पीएम मोदी का अभिनंदन होगा। बैठक को प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। हालांकि आपसी में ये चर्चा रहेगी, लेकिन बहुत जरूरी ये भी देखना कि आखिर प्रधानमंत्री कहते क्या हैं। तो आज मेगा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी भव्यता के साथ आज इस भवन को सजाया गया है, ना सिर्फ इसलिए कि इस जीत को रिकॉग्नाइज कर सके, बल्कि आने वाले समय में 3 राज्यों में विकास के कौन से काम लेकर पहुंचेंगे, क्या करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय। हो सकता है कि प्रधानमंत्री इस ओर भी इशारा करें। फिलहाल जश्न के माहौल में भारतीय जनता पार्टी डूबी हुई, अथक प्रयास जो कि हर कार्यकर्ता की तरफ से किए गए हैं और प्रधानमंत्री भी इसका जिक्र लगातार करते हैं कि कार्यकर्ता के तौर पर ही काम कर रहा हूं और लगातार हर कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत बनाने में अपने प्रयास जरूर डाल रहा है, जिसका असर यही कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान तीनों ही जगह पर अच्छी खासी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। और जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों राज्य जहां पर इस जीत ने कई लोगों को चौंकाया है, इतना चौंकाया है कि विपक्ष अभी भी मानने को तैयार नहीं कि हार गए हैं। चलिए कुछ खास सहयोगियों के पास आपको लिए चलेंगे, कुछ खास जानकारी हम तक वो साझा करेंगे। सहयोगी विनीत है, दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, वासु चौरे हैं, भोपाल से लाइव जुड़ेंगे, तनु वर्मा है, रायपुर से हमें रिपोर्ट करेंगे। सबसे पहले विनीत आपका ही रुख कर लेना चाहती हूँ, क्योंकि 3 राज्यों को लेकर जीत का जश्न अभी भी चल रहा है, किस प्रकार का कार्यक्रम आज होगा विनीत? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि संसद भवन परिसर में जो संसद की लाइब्रेरी होती है उसमें यह कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। बीजेपी संसदीय पार्टी की जो बैठक है वो बैठक आयोजित की गई है। साफ तौर पर इस बैठक में सभी सांसद मौजूद रहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के बैठक जो सांसद है वो मौजूद रहते हैं और यह संसद भवन का जब सत्र चलता है उस दौरान इस तरह की जो बैठक है सामान्यतया वो आयोजित की जाती है। इस बैठक में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार, चूंकि जो 3 राज्यों में बड़ी जीत
बीजेपी को हासिल हुई है और उसके बाद पहली बार यह बैठक जो है वो आयोजित हो रही है, तो इसमें पीएम नरेंद्र मोदी का अभिनंदन जो है वो सभी सांसद करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जो है वो भी मौजूद रहेंगे। तो तमाम सांसद जो है वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत पर अभिनंदन देंगे, उन्हें बधाई देंगे। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, तो निश्चित तौर पर किस तरह से जीत का जो सिलसिला है उसे बरकरार रखा जाए इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मूल मंत्र देंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव जो है वो अब से कुछ ही दिनों में है और उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो पार्टी भी यह चाहती है कि जीत का सिलसिला जो है वो लगातार जारी रहे और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जीत का मंत्र जो है वो सभी सांसदों को देंगे ताकि 2024 का जो किला है वो बेहतर तरीके से फतह किया जा सके। बिल्कुल, 23 के सेमीफाइनल से 24 के फाइनल तक का सफर अब तय करना है। विनीत बने रहेगा हमारे साथ, भोपाल आपको ले चलेंगे, वासु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वासु, एक ऐसी जीत मध्य प्रदेश में तो जिसने कांग्रेस को भी सदमे में डाल दिया है, मुझे लगता है कि अपने स्तर पर भी पार्टी यहाँ पर जीत की खुशी का आयोजन करती हुई। वासु बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है और इसका कहीं ना कहीं पूरा श्रेय जिस तरह से स्टेट की जो लीडरशिप है और जो सेंट्रल की लीडरशिप है उसका एक जो बेहतरीन तालमेल देखने को मिला, संगठन ने और सत्ता ने साथ में मिलकर काम किया और यही वजह रही कि जो नतीजे बीजेपी के लिए सामने आए। मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी की जीत का जश्न मन रहा है, चाहे वो भोपाल प्रदेश कार्यालय की बात हो या फिर जो विधायक जीते हैं अपने अपने क्षेत्रों में, तो वहां पर भी जनता की का वो रुख कर रहे हैं, जनता के बीच रैलियां निकालना, प्रदर्शन करना, ये तमाम तस्वीरें जो है वो रोजाना सामने आ रही है। लेकिन इस सबके बीच बड़ी बात फिर वही कि लोगों की उत्सुकता जो है वो रोज बढ़ती जा रही है कि अब मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि बीजेपी ने ये पूरा चुनाव बिना किसी फेस को आगे किए लड़ा था और जिस तरह से लगातार बीजेपी के बड़े नेता जो है इस पूरे चुनाव में जीत कर सामने आए, चाहे प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र तोमर हो या फिर आप कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बहुत बड़े दावेदार बताए जा रहे हैं और इसलिए दिल्ली में जो भी गतिविधियां होती है पूरे मध्यप्रदेश की जनता की, मध्यप्रदेश की जो नेता है उनकी निगाहें कहीं ना कहीं दिल्ली की ओर टिक जाती है कि दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है, पीएम मोदी से तमाम बड़े नेता जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, तो जल्दी क्या कुछ मध्यप्रदेश को लेकर फैसला हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात अवतिका यही है कि आगामी समय में लोकसभा के चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव के हिसाब से मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री का परफेक्ट चेहरा कौन हो सकता है जो पार्टी को आने वाले चुनाव में भी माइलेज देता हुआ नजर आए और मोदी की अगुवाई में देश में बीजेपी हैट्रिक बना सके, तो इस समीकरण को साधने की जो बीजेपी की कोशिश है वो लगातार कहीं ना कहीं हो रही है और इसलिए इतना विचार विमर्श जो है वो चल रहा है। उसके अलावा मध्यप्रदेश बहुत विभिन्नता वाला, बहुत भिन्नता वाला जो स्टेट है वो माना जाता है, यहाँ के अपने सियासी समीकरण है, जातीय समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है और इन्हें साधना भी बेहद जरूरी होता है, तो इस फॉर्मूले में जो परफेक्ट फेस होगा वो जल्दी मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं खुश कर रखना बहुत बड़ी चुनौती भी होती है। अब ये देखने वाली बात की भारतीय जनता पार्टी कैसे हैंडल करती है। वासु बने रहेगा, तनु के पास चलते हैं। तनु, जो अभिनंदन कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया गया है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के मायने बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए, क्योंकि यहां पर खासतौर पर मोदी मैजिक काम किया है और यहां की जनता को भी इंतजार मुखिया का है। तनु जी बिल्कुल अवंतिका, छत्तीसगढ़ में बीजेपी जो है बहुमत के साथ सत्ता में वापसी तो कर चुकी है, लेकिन बीजेपी राज्य में राज्य की कमान किसको सौंपेगी ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है और इसको लेकर राजधानी रायपुर में कयासों का दौर तो जारी है ही, इसके साथ ही दिल्ली में भी इसको लेकर मंथन जो है वो चल ही रहा है। रमन सिंह की हम बात करें या रमन सिंह के अलावा और जिन भी नेताओं के नाम जो है सीएम रेस की दौड़ में शामिल है, सभी केवल एक ही बात का जिक्र कर रहे हैं कि इसको लेकर डिसीजन जो है वो केंद्रीय नेतृत्व करेगा। इस सवाल पर अभी तक सस्पेंस जो है वो बरकरार है। इधर बीजेपी ने जिन सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा था उन्होंने चुनाव जीतने के बाद ही कल ही बीते दिनों अपने सांसदीय से इस्तीफा भी दे दिया है और इसके बाद इनके नामों को लेकर चर्चाएं जो है वो और तेज हो गई है। वहीं सीएम फेस को लेकर नामों की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, गोमती साय, विष्णुदेव साय, रेणुका सिंह, रामविचार नेताम, लता उसेंडी, ओपी चौधरी, इनके अलावा और भी तमाम नामों की चर्चाएं जो है वो तेज है और राज्य में
में लगातार आदिवासी वर्ग से सीएम की मांग रही है। फिलहाल सभी की निगाहें जो है वो दिल्ली की ओर है कि आखिर केंद्रीय नेतृत्व कौन से नाम पर मुहर लगाएगा। इसके साथ ही दिल्ली में संसदीय वहीं आकर खत्म हो जाती है कि आखिर कैसे हर समीकरण को साधती है ये पार्टी। बहुत शुक्रिया आपका तनु फिलहाल जानकारी के लिए। विनीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वासु आप बने रहेगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आप चर्चा करने वाले हैं। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया आज अपना मुंह काला करेंगे। मुझे याद है कि वासु ने भी उनसे बातचीत की थी और उन्हीं के सामने कहा था कि 7 दिसंबर का दिन होगा, राजभवन के सामने मुंह काला करूंगा। चुनावी परिणाम के पहले फूल सिंह बरैया ये बयान दे चुके थे कि 50 सीटों में सिमट कर रह जाएगी बीजेपी, नहीं तो मुंह काला करवा लूंगा। फूल सिंह बोले कि अपनी बात पर कायम हूं। और आज तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेंगी तो फूल सिंह बरैया मुंह काला करते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे दावे हुए अमरजीत भगत को, जिन्हें लेकर घेरा जा रहा है, लेकिन वहां पर शायद वादा पूरा नहीं कर पा रहे। लेकिन जरा आप देखिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता इतने दिलेर। फूल सिंह बरैया ये दावा किया कि 50 सीटों तक अगर नहीं सिमटी बीजेपी तो मुंह काला कराऊंगा। उसका ये असर भी कि हमारे सहयोगी के सामने ही उन्होंने कहा था 7 दिसंबर दोपहर 2 बजे का वक्त होगा, राजभवन के सामने मुंह काला कराऊंगा और जरूरत पड़ी तो लोकतंत्र को बचाने के लिए मुंह लहू से लाल भी करवा लूंगा। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु मुझे याद है आपका 1-to-1, लेकिन आज देखने वाली बात कि कब तक क्या कुछ होता है और किस प्रकार की तस्वीरें सामने आती हैं। वासु बिल्कुल अवंतिका ठीक कहा आपने। देखिए सत्ता के गलियारों में जो ना हो वही कम मान लीजिए, और मध्यप्रदेश में जिस तरह से चुनाव के पहले लगातार दावों का दौर चला था और उसमें फूल सिंह बरैया ने एक बड़ा दावा किया था कि भाजपा 50 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो खुद अपने हाथों से अपना मुंह काला करेंगे। चुनाव के परिणाम आए, कांग्रेस ने जो उम्मीद लगाई थी वो उम्मीद पूरी तरह से धराशायी हो गई। कांग्रेस के तमाम जो दावे थे वो धरे के धरे रह गए और बीजेपी पर एक बार फिर से जनता ने भरोसा जता दिया। हालांकि फूल सिंह बरैया से जब हमने बात की तो उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं अपने बयान पर पूरी तरह से कायम हूं। उन्होंने समय भी दे दिया, तारीख भी बता दी, 7 तारीख दोपहर 2 बजे स्थान राजभवन के सामने वो अपने हाथों से अपना मुंह काला करेंगे। लेकिन उन्होंने इस पूरी हार का ठीकरा कहीं ना कहीं ईवीएम के ऊपर फोड़ा। हालांकि वो खुद चुनाव जीतकर आए हैं और कांग्रेस के विधायक भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के नेताओं की तरह नहीं हूं जो वादा कर दूं और फिर उसे निभाने का काम ना करूं। 15 लाख रुपए देने की बीजेपी ने घोषणा की थी, वादा किया था, लेकिन किसी को नहीं दिया। ये तंज कसते हुए फूल सिंह बरैया जो है वो नजर आया। अब देखना होगा कि आज जब वो मुंह काला करने पहुंचेंगे या क्या प्रशासन उन्हें ये करने देता है या कांग्रेस पार्टी का इसे लेकर कुछ स्टैंड जो है वो सामने आता है। हालांकि इस प्रकार की तस्वीरें वासु सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। और एक तरफ भोपाल का जिक्र था तो दूसरी तरफ ग्वालियर का जिक्र कर लेते हैं, जहां जिवाजी यूनिवर्सिटी में रैगिंग की शिकायत हुई है। कैप्टन रूप सिंह हॉस्टल में छात्र ने रैगिंग की शिकायत की। जूनियर्स का सीनियर्स पर डांस कराने का आरोप है। बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जिनके छात्र की तरफ से शिकायत आई है। तो कुलपति डॉक्टर अविनाश तिवारी इस मामले की जांच का भरोसा देते हुए नजर आए। रैगिंग के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप है। छात्र ने एमपीएड के छात्र पर रैगिंग के नाम पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। आपको बताएं कि बीपीटी के छात्र की तरफ से शिकायत ये बताया गया कि सीनियर्स डांस करवाते हैं, रैगिंग जो कि पूरी तरह से बैन है, इसके बावजूद इस तरह के मामले। कैप्टन रूप सिंह हॉस्टल में छात्र के साथ रैगिंग हुई है, इस बात का जिक्र किया है। जिवाजी यूनिवर्सिटी में ये व्यक्ति पढ़ता है और उसकी तरफ से ये शिकायत सामने आई। लेकिन बड़ी बात यह कि शिकायत को लेकर आश्वासन भी मिला है कुलपति डॉक्टर अविनाश तिवारी, जिन्होंने इस मामले की जांच का भरोसा दिया है। बताया कि अगर सीनियर्स की तरफ से ऐसा किया जा रहा है तो जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। सीधे आपको लिए चलते ग्वालियर से के सुशील कौशिक जुड़ चुके हैं। सुशील बताइएगा पूरा मामला आखिर क्या है। देखिए जीवाजी यूनिवर्सिटी के कैप्टन रूप सिंह हॉस्टल का पूरा ये घटनाक्रम है जिसकी शिकायत मिली है। दरअसल यहाँ बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के छात्र ने शिकायत की है। हेल्पलाइन जो यूनिवर्सिटी का है उस हेल्पलाइन में मोबाइल फ़ोन के ज़रिए शिकायत की है, जिसमें थेरेपी के छात्र ने बताया कि उनके सीनियर्स जो है एमपीएड के जो छात्र हैं सीनियर्स, वो उनको रात के वक्त नाचने के लिए मजबूर करते हैं, डांस करवाते हैं और 4 और 5 दिसंबर को इस तरह की घटनाएं हुई है, ऐसा उस शिकायत में जिक्र किया गया है छात्र के द्वारा। अब हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत मिलने के बाद
यूनिवर्सिटी में निश्चित तौर पर हड़कंप मच गया रिगिंग की शिकायत के बाद। अब इस मामले में जब कुलपति का पक्ष जानना चाहा तो उनका ये कहना था कि इस मामले में जांच की जा रही है, होस्टल और आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनमें अगर इस तरह के तथ्य मिलते हैं तो इस मामले को एंटी रिगिंग कमेटी को सौंपा जाएगा। ठीक है, देखने वाली बात है प्रबंधन कैसे एक्शन लेता है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी साझा करने के लिए। तो ग्वालियर का ये सिलसिला आप देख रहे थे। और इधर मुरैना से भी एक वारदात को लेकर जानकारी, सरपंच के बेटों पर रंगदारी मांगने का आरोप है। आपको बताया कि ग्रामीणों को डराने के लिए आरोपी पहुंचते हैं, अवैध हथियार लेकर सरपंच के बेटे ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उसके साथ ही घटिया सीसी निर्माण की शिकायत की है। ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों को पकड़ा, दोनों पक्षों में मारपीट हुई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबलगढ़ ब्लॉक के देवपुर पंचायत के टोंगा गांव की घटना, सबलगढ़ पुलिस मामले की जांच की कर रही है क्योंकि दोनों ही तरफ से मारपीट भी हुई है। तस्वीरें भी आप देखिए, एक बड़ा विवाद जो कि धीरे धीरे मारपीट में तब्दील हुआ। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।